हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष। तो गाइस ये है बाइक बेसिक्स सीरीज की न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बाइक के स्पार्क प्लग को क्लीन करने वाले हैं। तो दोस्तों कंपनी हमें कहती है 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पर अपने स्पार्क प्लग को चेंज करने के लिए। तो आप 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पर आप अपने स्पार्क प्लग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन 10,000 किलोमीटर हमें अपने स्पार्क प्लग को क्लीन करते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है और कोल्ड स्टार्ट जैसी प्रॉब्लम हमें उसके कारण भी आ सकती है। बीच बीच में हमें स्पार्क प्लग को क्लीन करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में स्पार्क प्लग को क्लीन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ स्पार्क प्लग आपकी बाइक में कितने हैं वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सी बाइक या स्कूटर है। जैसे मेरे केस में मेरे पास डिस्कवर है, तो इसमें 2 स्पार्क प्लग रहते हैं। पल्सर NS200 में 3 स्पार्क प्लग रहते हैं, और जो हमारी स्कूटर्स होती हैं जैसे कि एक्टिवा और जुपिटर वगैरह, उन सब में 1 स्पार्क प्लग रहता है। तो आपकी व्हीकल में जितने भी स्पार्क प्लग हैं आपको उन सबको एक ही बार में क्लीन करना है। स्पार्क प्लग बाइक से निकालने के लिए सबसे पहले हम इस कैप को निकालेंगे। और दोस्तों बाहर से देखने पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि स्पार्क प्लग की कंडीशन अंदर कैसी हो चुकी है, और बिलीव मी जब आप इसको खोलकर देखेंगे तब आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बाहर से देखने में सारा कुछ साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन जैसे हमने स्पार्क प्लग का ये कैप हटाया तो कैप तक पर यहाँ पर जंग छपी हुई थी। तो चलिए फटाफट से हम स्पार्क प्लग को इस टूल की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर मेरे स्पार्क प्लग की कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पर जंग भी लगी हुई है और कार्बन भी लगा हुआ है। सारा जंग और कार्बन आप मेरे हाथ पर यहाँ पर देख सकते हो। तो इस स्पार्क प्लग को क्लीन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपने अपनी बाइक के स्पार्क प्लग को रिसेंटली चेंज या क्लीन नहीं किया है और आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है बाइक में, तो आप अपनी बाइक के स्पार्क प्लग को एक बार खोलकर जरूर देख लीजिए। ऐसा ना हो आपकी स्पार्क प्लग में इसी तरह से जंग वगैरह लग चुकी हो। और अगर कंडीशन कुछ इसी तरह मिलती है तो आप उनको क्लीन कर लें, जैसा कि हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। और अच्छी बात तो यह है कि मेरी बाइक में ये स्पार्क प्लग बॉश कंपनी के लगे हुए हैं। अगर कोई और कंपनी के स्पार्क प्लग होते तो शायद ही वो इस कंडीशन में वर्क करते। मैंने तो अभी ये खोला तब मुझे पता चला कि इन स्पार्क प्लग्स में जंग और कार्बन लग चुका है। तो चलिए हम इसको क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें चाहिए होगा पेट्रोल। तो ये रहा हमारे पास पेट्रोल। तो पहले हम स्पार्क प्लग को क्लोथ से साफ कर लेंगे, जिससे जो ये ऊपर ऊपर जंग लगी हुई है इसमें वो उससे निकल जाए। क्लोथ से पोंछने के बाद हम इसको डाल देंगे पेट्रोल में। और हमको चाहिए होगा अब यहाँ पर एक टूथब्रश, जिसकी हेल्प से हम अपने स्पार्क प्लग से सारा कार्बन साफ करेंगे। तो आपको यहाँ पर टूथब्रश की हेल्प से बार बार पेट्रोल लगा लगा कर अपने स्पार्क प्लग से सारा कार्बन साफ कर लेना है। तो यहाँ पर हम फटाफट से कर लेते हैं। पेट्रोल से साफ करने के बाद स्पार्क प्लग को क्लोथ से पोंछ लें और उसको ड्राई कर लें। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा स्पार्क प्लग काफी हद तक साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो इसके सरफेस पर कार्बन लगा हुआ है उसको हमें साफ करना होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सैंड पेपर को। सैंड पेपर की हेल्प से हमें स्पार्क प्लग को काफी अच्छी तरह से रब करना है। स्पेशली स्पार्क प्लग के ऊपर जो ये पॉइंट होता है हमें इसको काफ़ी अच्छी तरह से रब कर लेना है सैंड पेपर से, जिससे इस सरफेस पर लगा हुआ सारा कार्बन निकल जाए। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी कर लेते हैं। तो गाइज हमारा स्पार्क प्लग साफ हो चुका है और आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसकी पहले वाली कंडीशन से और अब इसकी कंडीशन से। तो चलिए अब हम स्पार्क प्लग को वापस से बाइक में लगा देते हैं। तो इस टूल की हेल्प से हम स्पार्क प्लग को वापस से वैसे ही लगा देंगे। और जो ये हमारा स्पार्क प्लग का कैप है, तो इस पर जो ये जंग वगैरह लगी हुई है इसको भी हम यहाँ पर पोंछ कर साफ कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सारा काम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बाइक के 1 स्पार्क प्लग को साफ कर लिया है और आपको बता भी दिया है। अब हम अपने सेकंड वाले स्पार्क प्लग को फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी से साफ कर लेते हैं। और अगर आप ट्रिपल स्पार्क प्लग वाली बाइक यूज करते हैं तो आपको सेम मेथड से तीनों स्पार्क प्लग को साफ करना है, और अगर आपके पास स्कूटर है तो आपको फिर एक ही स्पार्क प्लग को साफ करना है। तो दोस्तों दूसरी साइड हमारा सेकंड स्पार्क प्लग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कैप को निकाला और इस टूल की हेल्प से हम स्पार्क प्लग को वापस से वैसे ही निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्पार्क प्लग की कंडीशन भी कुछ वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर जंग ज़्यादा नहीं लगी हुई है, थोड़ी कम जंग लगी हुई है। तो इसको भी हम सेम इधर से जल्दी साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पेट्रोल में डाल दिया है, अब हम इसको टूथब्रश की हेल्प से फटाफट से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काम भी हो गया है। क्लोथ से इसको साफ करेंगे, फिर इसके ऊपर हम करेंगे सैंड पेपर से रबिंग। तो सैंड पेपर से इसको काफ़ी अच्छी तरह से रब कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो गया है। तो ये वाला हमने आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, फर्स्ट वाले में हमने आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक के दोनों स्पार्क प्लग को काफ़ी अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। तो इस मेथड से आप अपनी बाइक या स्कूटर के स्पार्क प्लग को क्लीन कर सकते हैं।
और अगर आप अपनी बाइक के स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं, मतलब कि न्यू इंस्टॉल करते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप बॉश कंपनी के स्पार्क प्लग को यूज करें, क्योंकि उनकी सर्विस काफी बढ़िया रहती है और वो बहुत जल्दी क्लीनिंग नहीं मांगते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी बाइक के स्पार्क प्लग को क्लीन कर लिया है और सेम मेथड से आप अपनी बाइक के स्पार्क प्लग को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, स्पार्क प्लग क्लीन करने से हमारी बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती है और स्टार्टिंग काफी फास्ट हो जाती है। तो गाइस, बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी बढ़िया सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।